बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाउ आई कॉप्ड के एक और पॉडकास्ट के साथ आपका फेवरेट होस्ट आमिर लियाकत आपकी खिदमत में हाजिर है। थोड़ा सा हंसो यार, तुम्हें किसी ने नहीं हंसाना, एक्चुअली हमें खुद को हंसाना है, हमें खुद को बनाना है, तो थोड़ा सा हंसना है। मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद है, मुझे हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोग, दिल करता है कि यार मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ कि यार तुम हंस रहे हो, तुम खुश हो रहे हो, तुम्हें देख के मुझे कुछ हो रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। तो आपने सबसे पहले मुस्कुराना है, मुस्कुरा के कमेंट करना है कि मैं मुस्कुराया हूँ, मैं मुस्कुराई हूँ। हाउ आई कॉप, जो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम उन लोगों के किस्से, उन लोगों की जो है लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं जो विदाउट मेडिसन, विदाउट एनीथिंग, विदाउट मेरी कोचिंग, जस्ट मेरी वीडियोज़ को देखा, उन पर अमल किया और इन सब चीज़ों से निकलकर बाहर आ रहे हैं। ये सीरीज़ जो है ये पेड नहीं है, मैंने कोई इनको पैसे नहीं दिए, मैंने कोई इनको पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, बट ये वो लोग हैं जिन्होंने कोशिश की और कोशिश की तो निकलकर बाहर आए। अगर आप निकलकर नहीं बाहर आ रहे तो आप मुझे बुरा नहीं कह सकते। अब अपनी कोशिश को एक बार चैलेंज करें, आप अब एक बार अपनी कोशिश से पूछें कि क्या तुम वैसी ही हो जैसी ये बंदा कह रहा है, क्या मैं वैसी कोशिश कर रहा हूँ जैसे ये बंदा कह रहा है, कि मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ। यकीन करें आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे। इंसान को सिर्फ देखना होता है, पहचानना होता है उस गलती को जो वो गलती कर रहा होता है। कामयाबी में और नाकामी में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है गलती। कहीं ना कहीं इंसान गलती कर रहा होता है। एक इंसान अगर दौड़ के कामयाब हो जाता है तो दूसरा इंसान उसी दौड़ में नाकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कोई ना कोई गलती होती है। अगर आप भी अपनी गलती को सुधार लें, आप भी उस चीज़ को 110% दें, यू विल बी विनर, यू विल बी योर लाइफ कोच। हमारी ये सीरीज इसलिए डिज़ाइन की जा रही है कि मैं चाहता हूँ जो लोग समझते हैं कि उनसे नहीं होगा या वो नहीं कर सकते, तो वो इन लोगों को सुने, इन लोगों को देखें। जब ये लोग निकल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकल सकते? आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि मैं क्यों नहीं निकल सकता, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा। आप एक बार अपने आप से पूछें तो सही, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा। आपकी ज़ात आपको ज़रूर बताएगी कि यहाँ तुम गलती कर रहे हो, यहाँ तुमसे मिस्टेक्स हो रही हैं। आपने टू बी ऑनेस्ट होकर उन मिस्टेक्स को ठीक करना है। बड़ा आसान होता है किसी के अंदर बुराइयाँ तलाशना, बड़ा आसान होता है अपने आप को एक्सक्यूज़ देना। आप अपने आप को एक्सक्यूज देते रहेंगे, यकीन करें कभी कामयाब नहीं होंगे। नाकाम इंसान एक्सक्यूजेस ढूंढता है और कामयाब इंसान उस मंजिल तक जाने के लिए कितनी मेहनत और एफर्ट रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत और एफर्ट को करता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक भाई की सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे और मैं आपको पूरी वॉइस मेल सुनाऊंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं बीच में बहुत कम इंटरप्ट करूं, लेकिन जहां ज़रूरत पड़े मैं सिर्फ वहीं इंटरप्ट करूं। लेकिन इसकी जो वॉइस मेल है ये बाय द वे पूरी ओपन वॉइस मेल है, ये आपको सारी चीज़ें बता देगी, इसके सिम्टम्स, इसकी सारी चीज़ें कि इसने क्या क्या चीज़ें की। तो इसमें बहुत कम बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, इस वॉइस मेल को बड़े गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ना करो, ऐसे जुल्म ना करो यार। एक बंदा मेहनत लगा के कंटेंट बनाता है और आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते और ऐसे चले जाते हो, तो जुल्म है ना यार, ज्यादती है। ऐसे तो ना करें, ऐसे ना करें। यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनते हैं और भाई क्या कह रहे हैं, कैसे अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल करम है उस ज़ात का कि मुझे जिस हाल में रखे मैं तो उस हाल में खुश हूँ। इसरार स्पेन से कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी। मैं लास्ट ईयर यही दिन चल रहे थे दिसंबर के, जी जी, तो रात का टाइम था तकरीबन 10 बजे का। मैं ना खाना खा के, तो साथ ही मैंने ना चाय बना के, तो चाय पी के उसके बाद मैंने एक सिगरेट लिया। सिगरेट पी के मैंने अपने रूम में चला गया, बेड के ऊपर लेट गया जाके। लेटने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो गई एकदम से। ऐसे लगने लगा कि जैसे बस सभी मुझे हार्ट अटैक आएगा, मैं तो ख़त्म, मैं फिनिश हो जाऊँगा, ऐसे मुझे फील होने लग गया। माइंड में फियर बहुत ज़्यादा, फियर ऑफ डेथ इतना आने लग गया कि बस अभी मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे ने दिल वाली साइड के ऊपर इतनी ज़्यादा
घबराहट की वजह से ना, पता नहीं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, दर्द तो नहीं था लेकिन ऐसे लगता था जैसे मुझे बस हार्ट अटैक आएगा अभी, ये फील होने लग गया था। मैं फौरन उठ के तो दूसरे रूम में आया अपने दोस्त को लेके, तो मैंने फौरन इमरजेंसी चला गया। इमरजेंसी जाके मैंने उनको बताया कि मुझे ना दिल वाली साइड पे ना मुझे कुछ फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे ऐसे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने फौरन मेरी ECG की, सब कुछ किया, तो मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन वो दर्द अपनी जगह था, हल्का फुल्का बाद में दर्द भी शुरू हो गया था घबराहट की वजह से, गैस्ट्रिक की वजह से, तो वो सब कुछ अपनी जगह था लेकिन टेस्ट मेरे नॉर्मल आ रहे थे और माइंड में यही नेगेटिव थॉट्स चलने लग गए थे काफ़ी। ठीक है फिर मैंने ऐसा किया, नेक्स्ट रात को मैं सो नहीं पाया, ठीक है नेक्स्ट डे जब मैं सुबह काम पे जाने लगा तो मुझे फिर वही कंडीशन, वही प्रॉब्लम, ठीक है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो मैं फिर ECG करवाने चला गया, फिर ECG नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। यही सूरत हाल जो है ना तकरीबन 1 हफ्ता चलती रही। मैं तकलीफ मुझे अपनी जगह थी और टेस्ट जो भी करवाता था सारे नॉर्मल आते थे। फिर मैं एक दिन प्राइवेट डॉक्टर के पास गया, मैंने उसको ठीक जाकर है सारी सिचुएशन बताई कि मुझे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है तो उसने मुझे बताया कि बेटा आपको ना स्टोमिक प्रॉब्लम है, आप बाकी सब कुछ आपका ठीक है लेकिन आपको स्टोमिक प्रॉब्लम है, ये तो आप ये मेडिसिन ले लो तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो है ना फियर जो था ना, फियर ऑफ डेथ, फियर हार्ट अटैक, वो मेरे माइंड में बैठ गया हुआ था कि मुझे जब भी थोड़ी सी चेस्ट पेन होती थी मुझे ऐसे ही लगने लग जाता था कि मुझे अभी हार्ट अटैक आएगा। बाजू में थोड़ा दर्द होने लगता था तो मुझे ऐसा लगता था मुझे अभी हार्ट अटैक आएगा। यहाँ तक कि कोई भी मुझे सर में दर्द होती थी, पाँव में दर्द, कुछ भी ऐसा वैसा होता था ना, पूरी बॉडी में किसी भी जगह में पेन होती थी तो मुझे ऐसे ही लगता था मैं जस बस मैं अभी ख़त्म। ये ऐसा माइंड में आता था कि कहीं ये सिम्टम हार्ट अटैक का तो नहीं है। फ़ौरन से पहले मैं गूगल करता था, सब कुछ चेक करता था, लेकिन हार्ट अटैक के सिम्टम चेक किए वो तकरीबन मिलते जुलते ही आ रहे थे एंजाइटी के जो है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब मेरा जो वेट है वो भी काफ़ी हद तक नीचे आ गया था, उसके बाद मेरा काम भी करने को दिल नहीं करता था, मुझे डर लगा रहता था, रात को नींद तो ऐसे जैसे मैं कभी सोया ही नहीं, नींद तो बिल्कुल ही उड़ गई थी। ठीक है, रात को अगर सोता घबराहट होती फिर उठ जाता, अकेले रहने में डर लगता था, अकेले बाहर जाने में डर लगता था, यहाँ तक कि अगर किसी की हार्ट अटैक से मौत सुनता था तो फिर तो वैसे ही जान निकलती थी ना। सही है, काफ़ी मतलब ये टाइम आस्ता आस्ता गुजरता गया गुजरता गया, यहाँ तक कि मुझे ना पैनिक अटैक आना शुरू हो गए, पैनिक अटैक आना शुरू हो गए। जब मुझे पहला पैनिक अटैक आया तो मैं घबराहट इतनी शदीद, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो चुकी थी, बाजू में दर्द, लेफ्ट बाजू में दर्द, लेफ्ट शोल्डर में दर्द, साइड में सर में दर्द, लाइक हार्ट अटैक जैसा ही फील होने लग गया था कि बस मैं अभी ख़त्म। मैं जब मुझे पैनिक अटैक आया तो मैं फ़ौरन उठ के इमरजेंसी चला गया, उनको मैंने बताया कि मुझे हार्ट अटैक आया है। वो बोलते हैं नहीं तुम्हारा ECG मेरी की, उन्होंने बोलते हैं तुम्हारा तो सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें हार्ट अटैक नहीं है ये। फिर इसी तरह 1 मंथ में 2-3 दफ़ा मुझे पैनिक अटैक आए, मैं और ज़्यादा डर गया कि पता नहीं डॉक्टर को समझ नहीं आ रही या क्या वजह है। इसी तरह मेरा जो फियर है और ज़्यादा बढ़ता गया, और ज़्यादा मैं इसके अंदर डीप चला गया कि मैं अब नहीं बचूंगा, मुझे डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है या फिर मुझे अंदर ही अंदर कुछ चीज़ खाया जा रही है। हाथ पांव ऐसे कांपने लग जाते थे, चक्कर जैसे आते थे, ऐसा फील होता था कि जैसे अभी मैं गिर जाऊंगा। लेकिन नमाज पढ़ने में मुझे इतनी प्रॉब्लम आती थी कि नमाज पढ़ने में ऐसा लगता था कि जैसे अभी मुझे चक्कर आएगा मैं गिर जाऊंगा और पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। ठीक है,
और ये भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में चलता रहता था कि लोग क्या कहेंगे, कि इसी तरह ही मतलब कि ये तो रात को तो ठीक ठाक था, सुबह मेरी मतलब मैं वाजिया लफ्जों में बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा ही जैसे कि रात को तो ये ठीक ठाक था, सुबह जब मेरी मौत का सब लोग सुनेंगे तो वो सब सोचेंगे कि यार इसको क्या हो गया, ये तो अच्छा हासा था, रात को हमारे साथ बैठ के खाना खाया, हमारे साथ घूमता फिरता रहा, लेकिन इसको क्या हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब नेगेटिव थॉट्स आते थे जिनकी कुछ बुनियाद ही नहीं है। ठीक है, अजीब अजीब से फ्यूचर को लेके, ठीक है कि मैं अगर चला गया, मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या बनेगा, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे इधर से स्पेन से पाकिस्तान कैसे मुझे लेके जाएंगे, तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स। बस ऐसे मुझे यही लगता था कि मुझे हार्ट अटैक से ही मेरी डेथ होगी, हार्ट अटैक ही मुझे आएगा। फिर एक दिन तकरीबन अप्रैल जब लास्ट रमज़ान गुजर गया, तो मैं सुबह सहरी करके तो अपनी चारपाई पे गया, वहाँ चारपाई पे लेटा हूँ जाके, तो मुझे फिर पैनिक अटैक आया, बहुत ज़बरदस्त पैनिक अटैक था वो। पैनिक अटैक आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ना हार्ट अटैक आया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ये पैनिक अटैक है, मुझे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, क्या है, मुझे तो बस यही था कि मैंने बचना ही नहीं है। तो क्यों ये सब कुछ क्रिएट हुआ था मेरे स्टोमिक की वजह से, मैदे की वजह से मुझे ये सब कुछ हुआ था। फिर जब मुझे लास्ट पैनिक अटैक आया, तो मैंने, मेरा एक छोटा भाई है इधर, उसने भी, वो भी डर गया था कि भाई को पता नहीं क्या हो रहा है। मैं उठा, मैं नीचे बाहर निकल गया, बाहर जब गया मैंने थोड़ी वॉक की, फिर सोचा मैंने अभी जो कुछ होगा देखा जाएगा, मरना तो एक दिन है ही है। लेकिन ये बात मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स अच्छे मुझे आ रहे थे, बस मैं अभी बचूंगा ही नहीं। फिर मैंने ना इसको ना यूट्यूब के ऊपर सर्च किया कि ये आखिर है क्या। फिर मुझे ये कामी भाई का जो है ना पेज मिला, कामी भाई की वीडियो मैंने एक देखी, जिसमें मुझे एक वीडियो मैंने देखी पैनिक अटैक के बारे में। जब मैंने वो वीडियो सुनी ना कि ये पैनिक अटैक है, और एक दो और मैंने जब इनका पेज कामी भाई का खोला, मुझे और भी काफ़ी वीडियोस ऐसी मिली जिसमें कामी भाई ने एक जगह ये भी जिक्र किया हुआ था कि ये 90% स्टोमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्टोमिक की वजह से भी हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि हाँ, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बेटा तुम्हारा स्टोमिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो इसलिए ये चीज़ मुझे भी फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, खैर फिर जब मैंने पैनिक अटैक के बारे में सर्च किया, बातें कमी भाई की सुनी, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा अमल करना शुरू कर दिया, स्मोकिंग मैंने छोड़ दी, चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी, सब कुछ मैंने कट ऑफ सब कुछ छोड़ दिया। तो लेकिन पैनिक अटैक जो है ना, वो उसके बाद आज मेरा ख्याल है 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर, हाँ, आज तक मुझे बाद में पैनिक अटैक, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैनिक अटैक नहीं आया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कि मैं ट्रैवल करने में पाकिस्तान भी गया हूँ 2 दफ़ा, मुझे जहाज में बैठने से भी डर लगता था, हर छोटी छोटी बात से फियर आता था, हर छोटी छोटी बात से दिल घबराता था, ऐसा लगता था मैं इधर जाऊँगा मर जाऊँगा, इधर जाऊँगा ये हो जाएगा, ऐसे करूँगा, मतलब खाने पीने से भी डर लगता था, ये चीज़ खाऊँगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, सॉरी वो दूसरी साइड पे चला गया। तो पैनिक अटैक, उसके बाद मुझे पैनिक अटैक नहीं आया। फिर मैंने कामी भाई की वीडियोस जो है ना रेगुलर देखना शुरू कर दी। एक दफ़ा मैंने कामी भाई से कोचिंग भी ली थी 15 मिनट के लिए, लेकिन कामी भाई की ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का टाइम दो तो आपके पैसे भी बच सकते हैं। फिर मैंने भी यही फैसला किया कि चलो कामी भाई की ये बहुत अच्छी है बात लगी मुझे, मैंने फिर शुरू कर दी वीडियो इनकी देखनी। मैं तकरीबन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं एक दिन में 40-45 मिनट इनकी वीडियोस देखता रहता था। फिर मैंने जो ये यूट्यूब के ऊपर लाइव आते थे वो भी
रेगुलर रूटीन के साथ इनकी लाइफ भी देखता था, मतलब कहने का कि कामी भाई के पेज से मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था। और ख़ुद भी मैंने साथ में रनिंग शुरू कर दी, एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर पाता था लेकिन मैंने डीप ब्रीथिंग शुरू कर दी, हल्की फुल्की योगा शुरू कर दी, वॉक तो सच में बताऊं तो मैं अभी भी वॉइस कर रहा हूँ, साथ साथ वॉक ही कर रहा हूँ, वॉक मैंने शुरू कर दी रेगुलर वॉक। बट तो उसके बाद यह है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ना बेहतरी महसूस होने लग गई थी, यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर दोस्त लोग कहते थे कि डॉक्टर के पास जाओ, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन ले लो। मैंने बोला नहीं, क्योंकि कभी भाई ने बोला हुआ था कि मेडिसिन टेम्परेरी तो आपको फ़ायदा देगी, बाद में फिर वही कंडीशन आपकी हो जाएगी, इसलिए मैंने फिर वो मैंने ली ही नहीं। मैंने वो डॉक्टर वाला किस्सा ही मैंने छोड़ दिया हुआ था ना, मैंने बोला नहीं ठीक होना है तो खुद ही होना है। साथ साथ कामी भाई की वीडियो में देखता रहता था, साथ साथ मैं खुद भी एक्सरसाइज योगा हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़्यादा तो नहीं कर पाता था, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता था मैं एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करता था, लेकिन ज़्यादा मैं वॉक रनिंग और डीप ब्रीथिंग करता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकते हो कि 90% मैं ठीक हूँ। अभी भी मुझे कुछ ऐसा वैसा होता है कि कुछ ऐसा वैसा खा लूँ तो मुझे पेट में स्टोमिक मतलब गैस्ट्रिक बनती है, जस्ट पेन किसी टाइम होती है, शोल्डर में पेन होती है, लेकिन मैंने अपने माइंड को ऐसे तैयार किया हुआ है कि ये तो इट्स एंग्जाइटी, ये एंग्जाइटी है और कुछ भी नहीं है, ये एंग्जाइटी की वजह से ही मुझे ये पेन हो रही है, लेकिन इस पेन से ना तो मैं मरने वाला हूँ, ना तो मैं जो ख्यालात आते थे ना तो ख्यालात से मैं मरने वाला हूँ, जो नेगेटिव थाट्स हर टाइम चलते थे, मैंने अपने माइंड को ये फुल समझा लिया हुआ है कि ख्यालात से अगर मरना होता तो आज से एक साल पहले ही मैं मर गया होता, ठीक है। तो मरना तो एक दिन सब ने है ही है, वो तो बरहक है, ठीक है, लेकिन ख्यालात जो नेगेटिव आते रहते हैं उनसे कोई भी नहीं मरता। एंग्जाइटी डिप्रेशन से कामी भाई की वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने बताया था कि एंग्जाइटी से कोई बंदा नहीं मरता, ना डिप्रेशन से मरता है, जो सुसाइड के थॉट्स आते थे वो भी आने लग गए थे, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आस्ता आस्ता रिकवर कर लिए थे। तो अभी ये मेरी कंडीशन है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, काफ़ी हद तक ठीक हूँ, विदाउट मेडिसिन ठीक हूँ, सिर्फ और सिर्फ कामी भाई की वीडियोस देख देख के मैं आज 90% ठीक हूँ। है तो मैं 100 हूँ, लेकिन मैं 90 इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे चाय, पहले तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी हुई थी, अभी मैं चाय भी 2 कप पीता हूँ, तो इसलिए मैं 90 कह रहा हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा होता है किसी की मौत, अभी सुन लो ना हार्ट अटैक से, तो ज़्यादा नहीं तो 20% मुझे थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी मैं रिकवर कर लेता हूँ, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं वो भी रिकवर कर जाऊँगा, बहुत जल्द कर जाऊँगा। तो ये थी मेरी स्टोरी, ठीक है। तो ठीक है, मैं भी आप सबको, जितने मेरे बहन भाई डिप्रेशन एंग्जाइटी में, मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तलावत भी करें, और कामी भाई की वीडियोस देखें जितना हो सकता है, कामी भाई को सपोर्ट भी करें, और इंशाल्लाह आपको कामी भाई की वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसकी ज़िंदा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, इसरार बार्सिलोना से। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ दोस्तों, आपने वॉइस मेल सुनी, अब आप फैसला करें आप कहाँ खड़े हैं, ये भाई कहाँ खड़े थे। ये कोई फेरी टेल्स नहीं चल रही, ये कोई पेड कंटेंट नहीं चल रहा, ये वो लोग हैं जो सच में जिन्होंने इन चीजों पे अमल किया। अभी भी इस भाई ने कुछ चीजें कुछ बातें एज इट इज उस तरह नहीं मानी, अगर ये उस तरह मानता तो ये आज अपने आप को क्लेम कर सकता था कि 110%। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ किया बहुत होता है कुछ ना करने से, बड़ा जरूरी है। ये वीडियो का अहतमाम यही करता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियोस को रेगुलरली बेसिस पे देखिएगा, ये वीडियोस बेकार है जब तक आप अमल नहीं करेंगे, अमल करेंगे तो सब मिलेगा, अमल से ही बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, तो अमल करते रहे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।